वेलकम बैक। मैं अनित तिवारी, टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले बच्चों बोट एंड स्ट्रीम के चैप्टर, वो भी वायरल मैथ्स प्रो के सेशन में। हम सभी को पता है वायरल मैथ्स की जो क्लास है, जो सेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड मैथ्स के लिए बना है, यानी कि स्पीड मैथ्स जो कि आपके कैलकुलेशन की स्पीड को आगे बढ़ाता है। लेकिन जो वायरल मैथ्स प्रो है वो प्योरली आपके अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड है ना। और लगातार मुझे बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि सर बोर्ड एंड स्ट्रीम जो चैप्टर है वो बहुत हमारे लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो गया है, और लगातार हम लोग को मालूम है बहुत अच्छे से एग्जाम्स आने वाले हैं। सो आप लोग के लिए स्पेशली ऑर्गेनाइज सेशन है जिसमें कि हम आपके बोर्ड एंड स्ट्रीम के चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और हाई लेवल तक लेके जाएंगे। यानी यकीन मानिए इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपको रत्ती भर भी बोर्ड एंड स्ट्रीम जैसे चैप्टर्स में डाउट नहीं होने वाला। तो शुरू करें बच्चों, जल्दी से शुरू करें। तो जल्दी शुरुआत करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी पता है पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लें। इंपॉर्टेंट चीजों में क्या है, इंपॉर्टेंट चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ये फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने बचपन से देख रखा है, राइट। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि ये फॉर्मूला कब यूज होता है, ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब हमको समय निकालना हो और हमें डिस्टेंस पता हो और स्पीड पता हो। कहने का मतलब है कि हमें कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस यानी कि दूरी तय करनी हो और हमें अपनी स्पीड पता हो कि हमें कितनी स्पीड से जाना है, तो कितना समय लगेगा इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग कैलकुलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज कि आपको दूरी तय करनी है 100 किलोमीटर और आपके पास जो स्पीड है यानी कि जिस स्पीड से आप मूव कर रहे हो वो है 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में 20 किलोमीटर। तो प्रैक्टिकली सोचो तो भी आपका हो ही जाएगा बिना फॉर्मूले का यूज के, लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं अगर आप एक घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, एक घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो, तो 100 किलोमीटर की दूरी आप कितने समय में कैलकुलेट करोगे, कितने समय में आप तय करोगे, यही आपको फाइंड करना है, यानी कि टाइम निकालना है आपको। तो एक घंटे में 20 किलोमीटर, तो इसका मतलब स्पीड पता ही है, डिस्टेंस कितना कवर करना, हमने कहा सर 100, और स्पीड है कितनी आपके पास 20 है, तो 20 यानी 20 हमको यहाँ पर रखना होगा, 20 से इसको हम डिवाइड करेंगे, बिल्कुल आपका क्या आएगा आंसर 5 आवर्स। यानी कि एक घंटे में अगर आप 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हो तो 5 घंटे में आप 100 किलोमीटर की दूरी तय कर लोगे, प्रैक्टिकली भी करेक्ट है, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। अच्छा बच्चों ये बताओ कि जब यहाँ पर एक स्पीड दी गई थी तब तो आपने ये फॉर्मूला रख दिया, आपका आंसर आ गया, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने स्पीड बढ़ा दी यानी कि एक से अधिक स्पीड कर दी, मैंने कहा स्पीड 120 किलोमीटर पर आ रहा है, स्पीड 2 आपके पास से मान लेते हैं 25 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी मैंने दे दिया यानी कि स्पीड 1 का डायरेक्शन ये है, स्पीड 2 का डायरेक्शन ये है, तो उस केस में क्या ये फॉर्मूला लगेगा, उस केस में बच्चों क्या ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा। तो उस केस में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो बच्चों आपको उस केस के लिए जो फॉर्मूले का जो यहाँ पर ये आप जो जो वर्जन देख रहे हो ये हमें एडवांस करना पड़ेगा, यानी कि जैसे आपने देखा ना सेशन क्या है, वायरल मैथ्स प्रो है, वैसे ही इस फॉर्मूले का भी फिर प्रो वर्जन आएगा, एडवांस वर्जन आएगा। वो क्या है, वो फॉर्मूला है बेटा, यानी कि जब स्पीड एक से अधिक होती है और डायरेक्शन पर डिपेंडेंट होती है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, करेक्ट। अब ये रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या हो गया, यानी कि आपको बस इतना समझना है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसमें आगे बात करेंगे, बस आपको इतना समझना है कि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है, यानी कि जब डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है स्पीड में तब है ना डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है रिलेटिव स्पीड, और साथ ही साथ मोर देन वन स्पीड आए आपके सामने, मोर देन वन स्पीड आपके सामने आए तब आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। क्या है, कैसे, अभी हम लोग आगे थोड़ा सा धीरे धीरे समझते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, कब, जब आपके पास डायरेक्शन आना शुरू हो जाए, ठीक है, और दूसरा जब आपके पास मोर देन वन स्पीड आ जाए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, अच्छे से, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं, तो बोट ना हो तो ऐसा तो असंभव है ना, बोट तो होगी होगी। देखिए, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्या मतलब हो इस बात का, यानी कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर का मतलब क्या हुआ, रुका हुआ, ठहरा हुआ पानी, यानी पानी का कोई मूवमेंट नहीं है। अच्छा ये बताओ, स्पीड ऑफ बोट इन नो वाटर हो सकता है कभी, सोचिएगा, बहुत ध्यान सोचिएगा, मैंने बोला स्पीड ऑफ बोट इन नो वाटर, यानी पानी है ही नहीं वहां पर, ऐसा संभव है, जब पानी नहीं होगा तो बोट मूव कैसे करेगी, इसका मतलब ये कंसेप्ट तो हो ही नहीं सकता है ना, पानी तो होगा ही होगा, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का कंसेप्ट आता है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ये मत सोचना सर पानी नहीं होगा तो क्या होगी स्पीड ऑफ बोट, तो ऐसा हो नहीं सकता, फिलहाल मुझे पता है बच्चे इतना दूर तक नहीं सोचेंगे कि सर ऐसा, मतलब इतना सिली भी नहीं होता। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर स्टिल वाटर का मतलब ये हुआ बच्चा कि पानी रुका हुआ है,
जब पानी रुका हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी की कोई स्पीड नहीं है, यानी कि वाटर की जीरो स्पीड है, स्पीड ही नहीं है, स्टिल है, यानी कि रुका हुआ है। तो अच्छा ये बताओ, जब पानी रुका हुआ होगा तो जिस स्पीड से आप मूव करना चाह रहे होगे, यानी कि जिस स्पीड से आप मूव कर रहे होगे, वो आपकी एक्चुअल स्पीड होगी। ऐसे सोच के देखो कि पानी अगर आपको आगे की ओर ढकेल रहा है, पानी अगर आपको आगे की ओर ढकेल रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली तेज दौड़ना शुरू कर दोगे, तेज तैरना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर पानी आपको पीछे की ओर धक्का दे रहा होगा लेकिन आपको आगे की ओर जाना होगा, तो उस केस में आपकी जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, आपको मुश्किल हो रहा होगा आगे जाने में। बात समझ में आ रही है? जब आपको आगे से फ्लो मिल रहा होगा, पानी आपको पीछे की ओर ढकेल रहा होगा, है ना। तो यानी कि वो तभी होगा जब पानी का मूवमेंट होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पानी का कोई इंप्रेशन नहीं, कोई यहाँ पर कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पर क्या है, पानी जीरो स्पीड के साथ है। तो ऐसे कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, इन स्टिल वाटर। तो इस केस में जो स्पीड ऑफ बोट होती है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट को हम लोग बी से डिनोट करेंगे, यहां पर जो बोट की स्पीड होती है वो एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट होती है, यानी कि यहां पर पानी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ना ही इसकी स्पीड को बढ़ा सकता है पानी और ना ही इसकी स्पीड को कम कर सकता है, क्योंकि पानी का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, है ना। पानी की स्पीड जीरो है, यानी कि ये इसकी बोट की एक्चुअल स्पीड होगी, या फिर कहा जाए एक्चुअल पोटेंशियल होगा बोट का, जितनी स्पीड से ये मूव कर रहा होगा, है ना, ये इसकी एक्चुअल पोटेंशियल वाली स्पीड होगी, जितना ये स्पीड से मूव कर पाए, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर पानी का कोई योगदान नहीं, ना ही पानी कम कर रहा है, ना ही पानी उसको आगे की ओर बढ़ा रहा है। क्लियर हो गया बात? यानी कि जब भी कभी आपको नजर आए क्या स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो वहां पर एक बात बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि अगर स्टिल वाटर यूज हो गया मतलब पानी वहां पर जीरो है, यानी कि वाटर की जो स्पीड है वो जीरो है। वहां पर जो स्पीड गिवन होगी आपको वो किसकी स्पीड होगी, वो बोट की ही स्पीड होगी, या फिर किसी पर्सन की ही स्पीड होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? बढ़िया, क्लियर हो गया बच्चों? बहुत बढ़िया, चलिए आगे मूव करते हैं। ये क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो इस शब्द को क्लियर कर लो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउनस्ट्रीम का मतलब ये होता बेटा कि जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो उसी डायरेक्शन में वाटर भी मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन बच्चों वाटर भी मूव कर रहा है ना। जिस डायरेक्शन में आपकी बोट मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में आपका जो पानी है वो भी मूव कर रहा है। तो आप मुझे प्रैक्टिकली खुद सोच के बताना कि आप भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और नीचे जो पानी है वो भी, यानी कि पानी के पास भी इस बार स्पीड है, पानी मूव कर रहा है, यानी कि पानी के पास भी यहाँ पर वाटर जो है जीरो नहीं है, यहाँ पर वाटर भी मूव कर रहा है। क्लियर है? तो वाटर भी मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में, आप भी मूव कर रहे हो इसी डायरेक्शन में। तो ये बताओ आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा ना आपकी स्पीड में, आपको महसूस होगा ना कि यार मैं चल दो कदम रहा हूं लेकिन मुझे महसूस हो रहा हूं कि मैं और तेज भाग रहा हूं, क्यों? क्योंकि पीछे से कोई आपको धक्का दे रहा है। क्लियर हो गई बात? यानी कि यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा एज मिलेगी, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, आपको महसूस होगा कि आपकी स्पीड बढ़ी हुई लग रही है आपको, है ना, क्योंकि पीछे से कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। तो इसी केस को हम लोग डाउनस्ट्रीम कहते हैं, यानी कि इस केस को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, क्या? सेम डायरेक्शन। यानी डाउनस्ट्रीम कहीं पर भी लिख किया है, समझो ये सेम डायरेक्शन की बात कर रहा है, यानी कि आप भी इसी डायरेक्शन मूव कर रहे हो, वाटर भी इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है, यानी कि बोट की स्पीड भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है और वाटर भी। तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी? रिलेटिव स्पीड वर्ड मैंने क्यों यूज किया, मैंने स्पीड नहीं बोला बेटा, मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन स्पीड हो चुकी है। अब की बार बोट के पास भी स्पीड है और अब की बार वाटर के पास भी स्पीड है और डायरेक्शन भी है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, है ना। यानी कि जो वाटर है वो भी बोट को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती कर चुके हैं, दोनों एक दूसरे को आगे बढ़ाने में लगे हुए। तो इस केस में जो आपके पास रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी बच्चों? वो दोनों आपस में ऐड हो जाएगी, यानी कि बढ़ी हुई महसूस होगी। ऐसे सोच के देखना, है ना, खुद ही सोच के देखना, अपने आप को वहां पर रिलेट करके देखना कि आप पानी में तैर रहे हो और पीछे से पानी आपको आगे की ओर धक्का दे रहा है, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी ना। कब कोई चीज बढ़ती है? जब ऐड होती है, ना कि तब जब सब्ट्रैक्ट होती है। तो यानी कि ऐसा समझना कि जब भी सेम डायरेक्शन की बात हो रही होगी, पानी भी उसी डायरेक्शन में, आप भी उसी डायरेक्शन में, तो आप दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? सम अप हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। क्लियर है? यानी कि याद रखना, दो चीजें याद रखना इस केस में, क्या? कि जब कहीं पर लिखा हो सेम डायरेक्शन, या फिर लिखा हो क्या डाउनस्ट्रीम। ये मैं बोट एंड स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, किसी और चीज में जाना है ना, ट्रेन और डिस्टेंस में चेंज हो जाता है कंसेप्ट। बस आप इतना समझो कि जब कहीं पर लिखा हो सेम डायरेक्शन का केस है या फिर डाउनस्ट्रीम का केस है, तो याद रखना कि बोट और वाटर की स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी। क्लियर हो गया? यहाँ पर वाटर जो है वो जीरो स्पीड के साथ नहीं, वाटर भी मूव कर रहा है आपका, ठीक है ना। यानी कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर हम फॉर्मुला क्या यूज करेंगे? रिलेटिव स्पीड का फॉर्मुला यूज करेंगे, यानी कि हम रिलेटिव स्पीड वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन, क्लैरिटी बहुत शानदार। तो ये बताओ डाउन स्ट्रीम में बेटा टाइम का फॉर्मुला क्या होगा? हमें बहुत अच्छे से पता है कि टाइम का फॉर्मुला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
बोलो हाँ या ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ या ना, बोलो जल्दी से, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ना, क्यों, ना क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो दो स्पीड है, तो यहाँ पर हम स्पीड नहीं बोलेंगे बच्चों, हम रिलेटिव स्पीड बोलेंगे, क्लियर हो रहा है, हम रिलेटिव स्पीड बोलेंगे, इसका मतलब यहाँ पर हम जो फॉर्मूला बनाएंगे, यानी कि अब हम डाउन स्ट्रीम में जा चुके हैं, यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड क्या है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम है, दोनों एक दूसरे का फेवर कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, बोट प्लस वॉटर। क्या किसी बच्चे को डाउट है इसमें? मेरे ख्याल से नहीं होगा ना, आसानी से आपने समझ लिया होगा, यानी कि टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा उस केस में, डिस्टेंस अपॉन बी प्लस डब्ल्यू, क्योंकि डाउन स्ट्रीम का केस है, दोनों एक दूसरे को फेवर कर रहे हैं ना, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, आप नोट्स बनाते चलो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन बी प्लस डब्ल्यू, क्लियर है, तो चलिए आगे मूव करते हैं फिर। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ फिर, अप स्ट्रीम का मतलब, अप स्ट्रीम का मतलब समझिए, यानी कि आप इधर की ओर मूव कर रहे हो, यानी कि बोट है आपकी इधर की ओर डायरेक्शन में, है ना, इधर की ओर डायरेक्शन में मूव कर रही है, लेकिन 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 जो पानी है वो इधर की ओर मूव कर रहा है ना, बोट आपकी इधर की ओर मूव कर रही है और पानी आपको इधर यानी कि पीछे की ओर धक्का दे रहा है, आप बताओ, यानी कि आप स्ट्रीम का मतलब समझते हो क्या हुआ फिर, अब तो कनेक्ट कर गए हो ना, अप स्ट्रीम का मतलब होता है, अप स्ट्रीम का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, तो कहीं पर लिख के आए अप स्ट्रीम या फिर लिख के आए ऑपोजिट डायरेक्शन, एक ही बात है, क्लियर है, तो ऐसे समझिएगा, आप प्रैक्टिकली वहां पर अपने आप को कनेक्ट करो कि आप पानी में तैर रहे हो और सामने से पानी आपको पीछे की ओर धक्का दे रहा है ना, आप आगे की ओर जाना चाह रहे हो लेकिन पानी आपको पीछे की ओर धक्का देना चाह रहा है, तो आपको क्या महसूस होगा, आपको अपनी स्पीड बढ़ी हुई महसूस होगी, घटी हुई महसूस होगी, बताओ जल्दी से, मैंने बोला कि आप आगे की ओर मूव कर रहे हो लेकिन पानी आपको पीछे की ओर धक्का दे रहा है, तो उस केस में आपको अपनी स्पीड कैसी महसूस होगी, बढ़ी हुई कि घटी हुई, बताओ जल्दी से, बढ़ी हुई कि घटी हुई, तो आपको लगेगा ना कि सर घटी हुई महसूस हो रही, मुझे लग रहा है कि मैं तेज दौड़ सकता हूं लेकिन दौड़ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि पीछे से मुझे कोई जैसा लगेगा सामने से कोई मुझे धक्का दे रहा है पीछे की ओर, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको घटी हुई स्पीड महसूस हो रही है, इसका मतलब आपकी स्पीड माइनस हो रही है, क्यों माइनस हो रही है, क्योंकि पानी आगे से पीछे की ओर ढकेल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन केस आएगा या फिर अप स्ट्रीम का केस आएगा तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड बनेगी, क्योंकि रिलेटिव ही बोलेंगे ना, एक से अधिक स्पीड है, रिलेटिव स्पीड बनेगी वो क्या बनेगी बच्चों, b माइनस w बनेगी, दोनों सब्ट्रैक्ट कर जाएंगे, याद रखिएगा इस चीज को, यानी कि जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन का केस हो या फिर अपस्ट्रीम का केस हो तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, b माइनस w हो जाएगी, क्लियर हो गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, यानी कि अब आप बता दो जल्दी से कि टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड की जगह हम क्या लिखेंगे, b माइनस w, नोट्स बना लीजिएगा, यानी कि जब हम लोग मूव करते हैं किसमें, अपस्ट्रीम का केस में, अपस्ट्रीम वाले केस में, है ना, अपस्ट्रीम वाले केस में, तो हम लोग के पास जो टाइम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन b माइनस w, और जब हम लोग मूव करते हैं डाउन स्ट्रीम वाले केस में तो हम लोग पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन b प्लस w, याद रहेगा, क्लियर हो गया इतना, है ना, मेरे ख्याल से अब इन चीजों में आपको डाउट नहीं होने वाला, बहुत शिद्दत के साथ आपने समझ लिया होगा कि कब क्या चीजें होती हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, देखिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझते चलते हैं, क्वेश्चन बेटा, अ बोटमैन कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, मुझे आप बताओगे बच्चों कि इस क्वेश्चन में जो ये दे रखा है क्या 8 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, आप बताना बच्चों, ये बोट की स्पीड है बच्चों, ये वाटर की स्पीड है या फिर ये बोट प्लस वाटर की स्पीड है या बच्चों ये बोट माइनस वाटर की, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है यानी कि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि पानी पीछे की ओर धक्का दे रहा है, अप स्ट्रीम की स्पीड है या फिर ये सिर्फ बोट की स्पीड है या फिर ये सिर्फ वाटर की स्पीड है, कौन बताएगा, कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, है ना, कनेक्टेड रहना, तो हमें दिख रहा है यहाँ पर स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त, अ बोटमैन कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का मतलब अभी हमने सीखा था, यानी कि पानी के पास स्पीड है ही नहीं, जब पानी के पास स्पीड ही नहीं है यानी कि पानी का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो पानी यहाँ से वाटर की तो स्पीड हो नहीं सकती, जब पानी का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो बी प्लस डब्ल्यू भी नहीं हो सकता, जब पानी का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो बी माइनस डब्ल्यू भी नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर ये किसकी स्पीड है, स्टिल वाटर में जो स्पीड गिवन होती है वो बोट खुद के पोटेंशियल को शो कर रहा होता है ना, यानी कि वो बोट की एक्चुअल स्पीड होती है, बहुत बढ़िया बहुत शानदार, यानी कि बी की स्पीड दे रखी बच्चों कितनी, हमने कहा सर 8 किलोमीटर पर आवर, बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया, आगे, if the water flow of the river is 3 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर तो साफ है, if the water flow यानी कि water का जो वेग है ना, water की जो स्पीड है वो यहाँ पर दे रखी गई है, क्या, if the water flow of the river is 3 किलोमीटर पर आवर
यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाटर की भी स्पीड दे रखी गई है, क्या 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, शब्दों का ही खेल अगर आपने शब्दों को समझ लिया तो बोट एंड स्ट्रीम से आसान चैप्टर कोई नहीं है फिर। Then find the speed of the boatman in the direction of the water flow. समझिएगा, यानी कि आपके पास अब क्या है बच्चों, आपके पास बोट की भी स्पीड है, आपके पास वाटर की भी स्पीड है। सवाल आपसे ये पूछा गया है, find the speed of the boatman in the direction of the water flow. क्या मतलब हुआ? यानी आपको बोटमैन की स्पीड बतानी है, यानी कि जो तैराक है, जो बोट चला रहा है, उसकी आपको स्पीड बतानी इन द डायरेक्शन ऑफ द वॉटर फ्लो, यानी कि सेम डायरेक्शन का केस आ गया। सेम डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी जाएगी, तो उसकी ओवरऑल स्पीड कितनी बनेगी, यानी कि आपसे रिलेटिव स्पीड पूछी गई है। करेक्ट, यानी कि आपसे पूछा ये गया है कि आपको स्पीड बतानी है कब, जब बोट भी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में पानी भी जा रहा है। तो उन्होंने तो सीख रखा है ना कि जब बोट और वॉटर का डायरेक्शन सेम होता है तो हमें पुश मिलता है पीछे से, और हमें महसूस होता है कि हमारी स्पीड बढ़ी हुई लग रही है, और बढ़ी हुई स्पीड तभी लग सकती है जब बी और डब्ल्यू आपस में एड हो रहे हो। करेक्ट, तो हमारे पास बी की भी स्पीड है और हमारे पास वाटर की भी स्पीड है, यानी कि हम 8 प्लस 3 कर देंगे, यानी कि हमारे पास 11 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर होगा। यही आपका आंसर है। करेक्ट, समझ में आ गया अच्छे से, क्लियर, कोई डाउट नहीं ना? समझिएगा, शब्दों का ही खेल है। अ बोटमैन कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि यहाँ पर जब वाटर स्टिल हो गया, यानी कि जीरो स्पीड के साथ हो गया, तो जो आगे आगे आपको स्पीड दे रखी गई है 8 किलोमीटर पर आवर, वो किसकी स्पीड होगी? वो बोटमैन की स्पीड होगी, यानी कि बी की वैल्यू होगी। और आगे, if the water flow of the river is 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि water flow है ना, पानी की स्पीड कितना है? हमने कहा सर 3 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल ये पूछा गया है, speed of boatman, आपको boatman की स्पीड बतानी है in the direction of the water flow, यानी कि जिस direction में पानी move कर रहा है उसी direction में अगर आपकी boat move करेगी तो स्पीड क्या होगी टोटल ओवरऑल? तो आपने कहा सर बोट भी उसी डायरेक्शन में, वाटर भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन बात की जा रही है, तो इसका मतलब दोनों की स्पीड क्लब हो जाएगी, दोनों की स्पीड सम हो जाएगी, यानी कि 8 + 3 हो जाएगा, यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। क्लियर, अच्छे से आगे बढ़ा जाए, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परफॉर्म करें। देखिए अगेन क्वेश्चन आपको नंबर्स के साथ लगेगा देखने में कि वही है, बट है नहीं। क्वेश्चन है, अ बोटमैन कैन रो अ बोट इन स्टिल वाटर, अगेन देखो स्टिल वाटर वर्ड जुड़ गया यहाँ पर, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर जो स्पीड दे रखी गई है 8 किलोमीटर पर आवर, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी बच्चों? वो बोट की ही होगी, क्योंकि वाटर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। कितना हो गया? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखते हैं। इफ द वॉटर फ्लो ऑफ द रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, यानी कि आपसे बोला गया इफ द वॉटर फ्लो ऑफ द रिवर, यहाँ पर जो स्पीड दे रखी गई 3 किलोमीटर पर आवर, ये किसकी स्पीड है? ये रिवर की स्पीड है, यानी कि वॉटर की स्पीड है ना। क्वेश्चन ने बोला ना, इफ द वॉटर फ्लो ऑफ द रिवर, यानी कि पानी की जो स्पीड है वो कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। तो वॉटर की स्पीड कितनी हो गई? हमने कहा 3 किलोमीटर पर आवर। अब सवाल क्या पूछा गया, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोटमैन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वॉटर फ्लो, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर बोटमैन इधर की ओर मूव कर रहा है तो पानी किधर की ओर मूव कर रहा होगा? पानी ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा होगा। तो उस केस को समझ पा रहे हो ना, कनेक्ट कर पा रहे हो ना, कि हम आगे की ओर मूव कर रहे हैं लेकिन सामने से कोई पीछे की ओर धक्का दे रहा है हमको, तो उस केस में हमको कैसा महसूस होगा? हमें अपनी स्पीड घटी हुई नजर आएगी, है ना, हमें महसूस होगा कि हमारी स्पीड कम है। इसका मतलब क्या हो सकता है? ये ऑपोजिट डायरेक्शन का केस हो गया, यानी कि अप स्ट्रीम वाला केस हो गया। अप स्ट्रीम में क्या होता है, हमें बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड में हमें सब्ट्रैक्शन फील होता है, यानी कि घटा हुआ है ना, यानी कि हमें बी में से वाटर को घटा देना पड़ता है, माइनस कर देना पड़ता है। तो बी की स्पीड क्या होगी बच्चों? हमने कहा सर 8 होगी, है ना, क्योंकि देखो समझ पा रहे हो ना, बोट आगे की ओर मूव कर रही है लेकिन वाटर जो है पीछे की ओर, यानी कि वाटर जो है इसको धक्का दे रहा होगा पीछे की ओर बोट को। तो इसका मतलब केस समझ में आ गया होगा, हमें माइनस कर देना होगा दोनों की स्पीड को, यानी कि 8 - 3 कर देंगे, यानी कि आंसर क्या है बच्चों? हमने कहा सर 8 - 3, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया अच्छे से, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन केस में हमें क्या करना होता है? बोट और वाटर को माइनस कर देना होता है, यानी कि उनकी स्पीड्स को माइनस कर देना होता है। क्लियर, बहुत आसान है ना, क्योंकि हम आगे की ओर मूव कर रहे हैं, पानी हमको पीछे की ओर ढकेल रहा है, तो इसका मतलब हमें आपस में लड़ाई करनी पड़ेगी वाटर से आगे जाने के लिए, यानी कि वाटर को बीट करने के लिए, है ना, तो हमें लड़ाई करना होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी डाउन होगी। तो डाउन कोई चीज तभी हो सकती है जब हमें माइनस करना पड़े, है ना, यानी कि B - W 8 - 3, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर। करेक्ट, अगला क्वेश्चन किया जाए, बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने, अगेन क्या है क्वेश्चन? अ बोटमैन कैन रो अ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो एट 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम जल्दी से, है ना। ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने कहा ना शब्दों का खेल है पूरे पूरे इस चैप्टर में। अगर आपके आपने अगर शब्दों को समझ लिया अच्छे से तो बोट एंड स्ट्रीम से आसान चैप्टर कोई नहीं है। बहुत प्यार से बहुत मोहब्बत के साथ इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने बच्चा, अ बोटमैन कैन रो अ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो एट 8 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे आप बताओ कि ये जो आपके सामने 8 किलोमीटर पर आवर बोला गया है, ये किस चीज की स्पीड है? क्या ये बोट की स्पीड है, क्या ये वाटर की स्पीड है,
क्या ये बी प्लस डब्ल्यू की स्पीड है बच्चों या फिर बी माइनस डब्ल्यू की स्पीड है, समझ पा रहे हो, यानी कि क्या ये सेम डायरेक्शन वाली स्पीड है ना, यानी कि डाउन स्ट्रीम है ये, या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि अप स्ट्रीम की स्पीड है, या फिर सिर्फ बोट की या फिर सिर्फ वाटर की, समझिएगा बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ध्यान समझिएगा। अ बोटमैन कैन रो अ बोट इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, तो यहां पर समझिएगा, यहां पर इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो यानी कि वाटर फ्लो कर रहा है, यानी कि वाटर के पास इस बार ऐसा नहीं कि स्पीड ही ना हो, उसके पास मूवमेंट है, वाटर मूव कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, और जो बोट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो, कहने का मतलब है जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी मूव कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपको स्पीड दे रखी गई है ये क्या सिर्फ बोट की स्पीड हुई, ये क्या सिर्फ वाटर की स्पीड हुई, नहीं, ये दोनों की कंबाइंड स्पीड है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो स्पीड है बेटा ये किसकी हो गई, ये बी प्लस डब्ल्यू की स्पीड हो गई, क्योंकि सेम डायरेक्शन का केस है ना, सेम है ना, यानी कि पानी जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन बोट, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे, दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे होंगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्ती दिख रही होगी दोनों की, यानी कि बी प्लस डब्ल्यू की स्पीड गिवन है आपको, ये क्लियर हो गया अच्छे से, यानी कि बी प्लस डब्ल्यू की स्पीड कितनी होगी बच्चों, हमने कहा सर 8 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है ना। यहां पर ये मत समझना कि बोट की स्पीड है, क्यों, क्योंकि देखो अब बोटमैन कैन रो अ बोट इन द डायरेक्शन, यही से समझ जाओ, और साथ में इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन हो गया, और साथ में क्या बोला गया, वाटर फ्लो यानी कि वाटर फ्लो कर रहा है, यानी कि इस बार ऐसा नहीं कि वाटर के पास स्पीड ही नहीं है, है ना, इस बार ऐसा नहीं कि वाटर जीरो स्पीड के साथ है, जब स्टिल वाटर लिख के आएगा तो हम मानेंगे कि स्पीड नहीं है वाटर के पास, बट यहां पर बोला गया वाटर फ्लो यानी कि जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट भी मूव कर रही है। नीचे देखते हैं, एक नाविक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, गति से जल प्रवाह की दिशा में, यानी कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वाटर उसी डायरेक्शन में बोट भी, तो दोनों की स्पीड जो है कंबाइन हो जाएगी एट, यानी कि यहां पर जो 8 किलोमीटर पर आवर दे रखा गया बेटा ये बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू हो गई। इफ द वाटर फ्लो ऑफ द रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर, समझना, इफ द वाटर फ्लो यानी कि इस बार जो स्पीड ऑफ वाटर दे रखी गई है कितना है वो 3 किलोमीटर पर आवर, ये वाटर की स्पीड है, ये वाटर की स्पीड है। क्वेश्चन पढ़ो, इफ द वाटर फ्लो ऑफ द रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो वाटर की तेजी है, जो वाटर की वेग है, जो स्पीड है वो क्या है 3 किलोमीटर पर आवर, क्या पूछा गया, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोटमैन, आपको बोटमैन की स्पीड बतानी है, यानी कि उस नाव की स्पीड बतानी है, किसमें, इन स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर का मतलब क्या हो गया, व्हेन w इज इक्वल टू 0, जब w हो जाए यानी कि 0 हो जाए, यानी कि वाटर हो ही ना, तब वहां पर बोट की स्पीड कितनी होगी, क्लियर है, तो हमें निकालना होगा बोट की स्पीड निकालनी है हमको, हमें बोट की स्पीड निकालनी, कहने का मतलब है, है ना, बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं, यहां से देखो ध्यान से, अगर b और वाटर का, यानी कि बोट और वाटर का सम हो रहा है तो कितना आंसर आ रहा है, हमने कहा सर 8 किलोमीटर पर आ रहा है, जब बोट और वाटर की स्पीड आपस में हम कंबाइन करें तो आंसर कितना आ रहा है, हमने कहा सर 8 किलोमीटर पर आ रहा है, और जहां पर वाटर की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसका मतलब अगर वाटर 3 है तो यहां पर हम 3 पुट कर सकते हैं। अच्छा ये देखो, दोनों की स्पीड मिलकर के 8 बन रही है, जिसमें कि वाटर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 3 किलोमीटर पर आ, तो यानी कि बोट की स्पीड कितनी होगी यहां पर, यानी कि हम बोट की स्पीड कितनी मान लें कि उसको हम इससे ऐड करें तो हमारे पास 8 आ जाए, जाहिर सी बात है बोट हमारे पास क्या होगा 5 ही तो होगा, यानी कि बोट की स्पीड 5 होगी, बोट की स्पीड 5 होगी, वाटर की स्पीड क्योंकि गिवन है 3 है, तो इसका मतलब तभी तो दोनों मिलकर के 8 हो रहे होंगे, यानी कि बोट की स्पीड क्या होगी बच्चों, बोट की स्पीड 5 हो गई, यानी कि बोट की स्पीड, यानी कि जो आंसर है आपका पहले ऑप्शन का, पहले क्वेश्चन का, वो क्या है कि जब पानी 0 होगा, यानी कि पानी का कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो बोट की स्पीड क्या होगी, यानी कि आपको बोट की स्पीड निकालनी है, करेक्ट, तो बोट की स्पीड कैसे निकालते हैं, आपको देखना होगा कि वाटर की स्पीड कितनी, हमने कहा 3 किलोमीटर पर आ रहा है, और दोनों मिलकर के 8 बन रहे हैं। एक तरीका और भी है, ऐसे देखो कि बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी बच्चों, हमने कहा सर 8 है, जिसमें कि वाटर की स्पीड कितनी, हमने कहा सर 3 है, तो यानी कि b प्लस 3 इज इक्वल टू 8 हो गया, तो b कितना होगा, b होगा 8 माइनस 3, यानी कि बोट की स्पीड कितनी होगी, हमने कहा सर 5 किलोमीटर पर आ, वही चीज तो है, ये आपका पहला ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लो, पूछा गया आपसे, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोटमैन, आपको बोटमैन की स्पीड बतानी है, इन द डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लो, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि जब पानी की तरफ, यानी कि जब आपकी बोट इधर की ओर जा रही हो, है ना, इस डायरेक्शन में, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी पानी आपको पीछे की ओर धक्का दे रहा हो, समझ पा रहे हो, इस रिलेट कर पा रहे हो, यानी कि आपकी जो बोट है वो ऐसे मूव कर रही है ना, लेकिन जो पानी है वो इधर की ओर आ रहा है, यानी कि एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, है ना, यानी कि आपको अपनी स्पीड घटी हुई महसूस होगी। सेकंड क्वेश्चन यही पूछ रहा है उससे, कि आपसे पूछा जा रहा है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोटमैन, बोटमैन की स्पीड बता दो जब वाटर आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा हो, तो उस केस में आपकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो होगी बी माइनस डब्ल्यू होगी, है ना, यानी कि पानी को आपको काटना पड़ेगा, यानी कि दोनों में लड़ाई होगी, है ना, तो बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास बी भी आ चुका है, बी की स्पीड कितनी, हमने कहा सर 5 है,
करेक्ट। और वाटर की स्पीड हमें पहले से बताया कितना है, 3 है, माइनस कर दो, यानी कि आंसर कितना आ गया, 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछा गया था स्पीड ऑफ बोट, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ द बोटमैन इन स्टिल वाटर। जब स्टिल वाटर आ जाए समझो आप, सिर्फ और सिर्फ आपसे बोट की स्पीड पूछी गई है। तो यानी कि बोट की स्पीड आपने निकाल दिया कि बी प्लस डब्ल्यू आपको दिया गया है 8 है, जिसमें कि वाटर की स्पीड आपको 3 पता है, वाटर की वैल्यू यहाँ पर आपने रख दी, बी की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब सवाल पूछा जा रहा है कि इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लो, यानी कि बोट की स्पीड बताओ जब पानी आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा हो, तो आपसे स्पीड नहीं पूछी जा रही, आपसे रिलेटिव स्पीड पूछी जा रही, क्योंकि इस बार वाटर भी मूव कर रहा है आपके साथ साथ, है ना, सामने से। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको बी माइनस डब्ल्यू की स्पीड निकालनी है, तो बी की वैल्यू हो गई 5, वाटर की स्पीड हो गई 3, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर आपका राइट आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, अगेन देखो, अ बोटमैन कैन रो अ बोट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो एट 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहां पर जो 8 किलोमीटर पर आवर देख रहे हो बेटा, वो क्या है, क्या ये सिर्फ बोट की स्पीड हुई, नहीं, क्या ये सिर्फ वाटर की स्पीड हुई, नहीं, ये क्या है, देखो क्वेश्चन ने बोला है अ बोटमैन कैन रो अ बोट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लो, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लो, यानी कि सामने से पानी आ रहा है आपको आगे जाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन खेल हो रहा है, यानी कि आप आगे मूव कर रहे हो लेकिन पानी आपको पीछे की ओर धक्का दे रहा है। तो यानी कि ये जो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप देख रहे हो बेटा, ये किस चीज की है, ये बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू है, ये बी माइनस डब्ल्यू ऑपोजिट डायरेक्शन का केस है, यानी कि अपस्ट्रीम का केस है, ये हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। सवाल क्या है, इफ द वॉटर फ्लो ऑफ द रिवर इज 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो पानी की स्पीड है ना, पानी जो मूव कर रहा है किस स्पीड से कर रहा है, देखो यहां पर क्या बोला गया, इफ द वॉटर फ्लो ऑफ द रिवर, यहां पर सिर्फ और सिर्फ वॉटर की बात की गई है, तो ये जो स्पीड देख रहे हो बेटा ये क्या है, ये 3 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड हो गई, वॉटर की स्पीड हो गई 3 किलोमीटर पर आवर। तो क्या पूछा गया बच्चों आपसे, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोटमैन, आपको बोटमैन की स्पीड बतानी है, किस केस में, इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, वाटर जीरो हो चुका है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको बोट की स्पीड बतानी है, यानी कि बी निकालना है आपको, ठीक है। अगेन हम उसी अप्रोच का यूज करें, यहाँ पर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो चुकी है बच्चों, हमने कहा डब्ल्यू की वैल्यू जो है वो 3 है, यानी कि यहाँ पर हम 3 रख दें, तो कितना यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि उसमें से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 8 आ जाए, है ना, ऐसे प्रैक्टिकली सोचा करो कि बी की जगह पर हम कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें कि उसमें से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 8 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, हम कहेंगे सर 11, है ना, 11 में से 3 घटाओगे तभी तो 8 आएगा, नहीं तो एक और अप्रोच भी है, क्या कि आपने कहा सर बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, हमने कहा सर 8 है, जिसमें कि वाटर कितना है 3 है, यानी कि बी माइनस 3 इज इक्वल टू 8, तो बी की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 8 प्लस 3, हमने कहा सर 11 किलोमीटर पर आवर, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, है ना, यानी कि आपसे पूछा गया था कि बोट की स्पीड बताओ, सिर्फ और सिर्फ बोट की, जब पानी जीरो हो, है ना, तो आपने स्टिल वाटर का मतलब क्या हुआ, स्टिल वाटर का मतलब ये मत समझना कि हमको वाटर की जगह पर यहाँ पर जीरो फुट करना है, नहीं 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 नहीं, आपसे पूछा गया है कि बोट की स्पीड बता दो, बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड कैसे निकालेंगे, है ना, बोट की स्पीड निकालेंगे मतलब बिना पानी के तो बोट की स्पीड हो नहीं सकती, तो सिर्फ जब आपको बोट की स्पीड निकालनी होती है तो उस केस में आपने पानी की स्पीड यहाँ पर रख दी, बोट की स्पीड आपकी आ गई कितनी, यहाँ पर आपके 8 किलोमीटर टोटल था, तो आपने कहा सर वाटर की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर आपने बोट की स्पीड निकाल दी कितनी, 11 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, अच्छे से, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब पूछा गया आपसे इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वॉटर फ्लो, यानी आपसे पूछा गया देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बोटमैन, आपको बोटमैन की स्पीड बतानी है इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वॉटर फ्लो, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द वॉटर फ्लो मतलब क्या हुआ कि जब बोट और वाटर फ्लो एक साथ एक एक डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में बोट है उसी डायरेक्शन में वॉटर भी है, है ना, जिस डायरेक्शन में बोट है उसी डायरेक्शन में वॉटर भी है, तो यानी कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू, है ना, आपसे पूछा जा रहा है बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू आप निकाल चुके हो कितना 11 है, और वाटर की स्पीड कितनी है 3 है, तो आपने दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि 14 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया, अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। मैं फिर से बता दूं, स्टिल वाटर का मतलब ये तो है कि हाँ वाटर वहां पर जीरो होता है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझ लेना आप लोग, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि यहाँ पर आपको वाटर की जगह पर जीरो पुट कर देना है ना, ये कहना चाह रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ बोट की स्पीड बतानी है, बोट की स्पीड है, यानी कि जब शांत जल होता तो बोट की एक्चुअल स्पीड कितनी होती, ये आपसे पूछा गया है, तो इसका मतलब यहाँ नहीं कि आपने डब्ल्यू की जगह पर जीरो रख देना है, है ना, तो आपको बोट की स्पीड निकालनी, यानी कि जब भी आपको डब्ल्यू यानी कि स्टिल वाटर में आपको बोट की स्पीड निकालने को कहा जाए तो समझ जाओ आपको एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट चाहिए होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर स्टिल वाटर बोला तो हमने डब्ल्यू की जगह जीरो क्यों नहीं रख दिया, नहीं नहीं नहीं, है ना, क्योंकि वाटर तो आपको दिया गया है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्विमर कैन स्विम्स डाउनस्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर, है ना। अगेन देखो क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन है अ स्विमर कैन स्विम्स
डाउन स्ट्रीम, देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, डाउन स्ट्रीम डायरेक्टली इसने बोल दिया है। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, है ना, बोर्ड भी और वाटर भी, तो यानी कि दोनों एक दूसरे को सम कर लेंगे, है ना, यानी कि बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू आपको दे रखी गई है क्वेश्चन में। जब डाउन स्ट्रीम वर्ड यूज कर लिया जाए मतलब समझो दोनों एक दूसरे को सम कर रहे हैं, यानी कि कितनी हो गई वैल्यू 14, है ना। इसने ओपनली बोल दिया कि हाँ हम डाउन स्ट्रीम में मूव कर रहे हैं, हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लियर है। तो इसका मतलब दोनों की स्पीड का सम कितना हो गया, मेरे साथ 14 किलोमीटर पर आर। एंड एट अप स्ट्रीम में क्या मूवमेंट, क्या स्पीड है, मेरे साथ 6 किलोमीटर पर आर। अप स्ट्रीम मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम मतलब बोट अगर इधर की ओर मूव कर रही है लेकिन पानी की ओर, पानी पीछे की ओर मूव कर रहा है, यानी कि पानी इसको धक्का दे रहा होगा बोट को, यानी कि दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, हमने कहा सर 6 किलोमीटर पर आर, है ना। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्विमर, अच्छा चाहे स्विमर बोलो चाहे बोट बोलो एक ही बात हो, है ना, तो स्विमर की जगह पर हम बोट ही लिख रहे हैं जिससे कि आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सको। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर, अब स्टिल वाटर का मतलब ये थोड़ी ना कि आप जहां जहां डब्ल्यू है वहां वहां जीरो रखना शुरू कर दो, नहीं, स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, आपसे बोट की एक्चुअल स्पीड पूछी जा रही है ना, यानी कि जिसमें पानी का कोई कंट्रीब्यूशन हो, यानी कि बोट की स्पीड निकालने को कहा जा रहा है आपसे, ठीक है, यानी कि आपको बी निकालना है, कहने का मतलब है सिर्फ आपको जब स्टिल वाटर की बात कर दी जाए मतलब पानी आपको बोट की स्पीड निकालनी, जब पानी शांत हो तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू निकालनी होती है, बी की वैल्यू निकालनी होती है, बस सिंपल। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लोग दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देंगे, जब आप ऐड करोगे बेटा तो यहां पर बी है यहां पर भी बी है, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ, यानी कि 2b हो गया, और यहां पर प्लस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू कैंसिल आउट हो गया, तो हमने ऐड करना शुरू कर चुके हैं ना, तो 14 में 6 ऐड हो जाएगा कितना हो जाएगा, हमने कहा 20 किलोमीटर पर आर, है ना, दोनों ऐड हो जाएंगे आपस में, तो यानी कि बी की स्पीड कितनी होगी, यानी कि बोर्ड की स्पीड जो निकालनी है आपको 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आर, बोलो हाँ या ना, है ना, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे 10 किलोमीटर पर आर ऑप्शन में है, बिल्कुल है, क्लियर हो गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा अब ये बताओ कि अगर मुझे वाटर की स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे आप, तो बहुत सारे तरीके हैं, है ना, हम चाहे तो यहाँ पर B की जो वैल्यू आ चुकी है इसको हम यहाँ पर पुट कर दें, है ना, देखो ऐसे B प्लस W की वैल्यू क्या है बच्चों, हमने कहा सर B प्लस W की वैल्यू 14 किलोमीटर पर आ रहा है, समझ पा रहे हो, B प्लस W की वैल्यू कितनी है 14 किलोमीटर पर आ रही है, तो यानी कि हमें B मिल चुका है तो B की जगह पर हम 10 लिख दें, और यहाँ क्या है W है 14, तो W की वैल्यू क्या होगी 10 उधर जाएगा यानी कि माइनस करने पर 4 आ जाएगा, तो ये किसकी स्पीड हो गई, ये वाटर की स्पीड हो गई, और ये किसकी स्पीड है, ये सिर्फ और सिर्फ बोट की स्पीड है, क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की स्पीड पूछी गई थी तो आपने बोर्ड की स्पीड बता दी 10 किलोमीटर पर आर, क्लियर हो गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, है ना, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ये एक और क्वेश्चन है, करिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के माध्यम से आप पूरे के पूरे एंटायर चैप्टर को काफी बारीकी से समझ पाओगे, होपफुली मैंने जो क्वेश्चन आपको कराए जो मैंने कंसेप्ट डिलीवर किया वो आपको काफी हेल्पफुल होंगे, आपको आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी काफी क्लियर हुई होगी, शब्दों को देख करके आपने समझने की कोशिश की होगी कि क्वेश्चन में क्या चीज कब बोली जाती है और उसका क्या मतलब होता है ना। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे समझ लिया और कर लिया तो मोहब्बत हो जाएगी इस चैप्टर से, है ना। देखो क्वेश्चन समझते हैं, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम बी 3:5, क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि अपस्ट्रीम की स्पीड और डाउनस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दे रखा गया 3:5। अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, अपस्ट्रीम मतलब जब बोट और पानी एक दूसरे से लड़ाई करें, है ना, अगेंस्ट चले ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू रेशियो में कितनी, हमने कहा 3 है, देखो अपस्ट्रीम की जगह पर हम 3 लिखेंगे, डाउनस्ट्रीम की जगह पर हम 5 लिखेंगे, यहां पर हमने कहा सर 3:, और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में, है ना, गले में गले डाले मतलब हाथ में हाथ पकड़े उस डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना, जिधर तुम उधर ही हम, तू जहां जहां जाएगा मेरा साया साथ होगा, वैसा कुछ, यानी कि बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई फिर, हमने कहा सर 5:1 में है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सवाल ये बोला गया आगे क्वेश्चन में, ये कहना है देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर द टोटल डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर इन बोथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 मीटर पर सेकंड, कहने का मतलब ये क्वेश्चन का कि आपको समय बताना है टोटल टाइम कितना लगेगा 120 मीटर जाने में अपस्ट्रीम में और साथ ही साथ 120 मीटर जाने में डाउनस्ट्रीम में, यानी कि 120 मीटर आप पानी के अगेंस्ट में मूव कर रहे हो, पानी के अगेंस्ट में मूव कर रहे हो अपस्ट्रीम में, 120 मीटर आपको जाना पड़ेगा पानी के अगेंस्ट पानी से लड़ते हुए, और साथ ही साथ 120 मीटर आपको पानी के फेवर में चल के आना होगा, यानी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है पानी उसी डायरेक्शन में आपको भी, तो टोटल टाइम आपका कितना लगेगा, एक बार आपको पानी से लड़ना है एक बार आपको पानी से दोस्ती करना है, और दोनों ही केसेस में आपको 120 मीटर की दूरी तय करनी है, आपको टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम आपका कितना होगा, ठीक है। आगे जो हिंट दिया गया है वो क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 मीटर पर सेकंड, आपको जो वाटर की स्पीड रखी गई है वो कितनी बच्चों, वो 4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अच्छा ये बताओ वाटर की स्पीड रेशियो में कितनी है, क्या यहां से हम निकाल सकते हैं, देखो b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू है 3:1,
बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू है 5 रेशियो में. क्या आपके पास वाटर की स्पीड है रेशियो में? नहीं है, ये तो कंबाइंड स्पीड है. बी माइनस डब्ल्यू की स्पीड ये है, बी प्लस डब्ल्यू की स्पीड ये है. सिर्फ और सिर्फ वाटर की स्पीड क्या होगी तो हमें ये निकालना है. समझते हैं, अगर हमें सिर्फ और सिर्फ वाटर की स्पीड निकालनी तो हम क्या करेंगे, हम इसको अब माइनस कर देंगे. क्यों माइनस करेंगे? माइनस करने से ये होता है, यहां पर देखो पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, ऑपोजिट चलता है. ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया माइनस करने पर. ये पॉजिटिव था ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा. क्लियर है? अब देखो ये प्लस और ये माइनस, अब दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये माइनस डब्ल्यू कितना हो गया, माइनस टू डब्ल्यू, क्योंकि जब हम साइन चेंज करते हैं तो सबकी साइन चेंज होती है. अब ये प्लस रही नहीं गया, अब ये सिर्फ माइनस हो गया. माइनस डब्ल्यू माइनस टू डब्ल्यू. थ्री माइनस फाइव कितना होगा, माइनस टू होगा, है ना, माइनस टू रेशियो होगा. क्लियर है? थ्री माइनस फाइव यानी कि माइनस टू, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी फिर? हमने कहा सर वन रेशियो होगी. बोलो हाँ या ना, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई ना आपके पास, वन रेशियो में आ गई. क्लियर है अच्छे से? तो क्या रेशियो में हम बोर्ड की स्पीड निकाल सकते हैं बच्चों? रेशियो में क्या हम बोर्ड की स्पीड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. अभी हम पीछे निकाल के आए थे कैसे, यहां पर दिया था बी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू थ्री रेशियो में, है ना. चाहो तो आप वाटर की स्पीड यहां पर रख दो, बोर्ड की अपने आप आ जाएगी, है ना, वही कर लेते हैं. चलो यहां पर आपने वन रेशियो यहां पर पुट कर दिया, तो यानी कि बी की स्पीड क्या आएगी, डब्ल्यू की जगह पर आप यहां पर वन पुट कर दो, कितना आ गया, थ्री आ गया. तो बी की स्पीड कितनी होगी, यानी कि बोर्ड की, वन इधर आ गया, यानी कि थ्री प्लस वन यानी कि फोर रेशियो में. क्लियर हो गया अच्छे से? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी? बोलो हाँ या ना. मैंने कहा बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू थी थ्री रेशियो में, बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू थी फाइव रेशियो में. हमने क्या किया, हमें निकाला था वाटर का रेशियो. क्लियर है? वाटर का रेशियो चाहिए था हमको, तो हमने क्या किया, इस बार हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि सबकी साइन चेंज कर दी. तो हुआ क्या, डब्ल्यू यहां पर नीचे क्या था, प्लस में था, माइनस में हो गया. बी कैसा था, प्लस में था, माइनस हो गया. फाइव कैसा था, प्लस में था, माइनस हो गया. तो यानी कि बी और बी देखो, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव कैंसिल आउट, लेकिन ये दोनों नेगेटिव थे, दोनों ऐड हो गए, यानी कि माइनस टू डब्ल्यू. ये क्या है, थ्री माइनस फाइव यानी कि माइनस टू. तो डब्ल्यू की यानी कि वाटर की जो रेशियो आई है कितना है, मैंने कहा सर वन रेशियो है. आपने इसी वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में किसी में भी उठा के रख दो, है ना, यानी कि बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू थ्री था, इसमें हमने डब्ल्यू की वैल्यू पुट की वन, तो बी का रेशियो कितना आ गया, फोर रेशियो. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन में बोला गया था इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि हमारे पास जो वाटर की स्पीड दे रखी गई है वो 4 मीटर पर सेकंड है. अच्छा बताओ वाटर की स्पीड रेशियो में कितनी दे रखी गई है, वाटर की स्पीड रेशियो में कितनी है, हम निकाल चुके हैं बच्चों. देखो वन रेशियो में है, वाटर की स्पीड रेशियो में वन रेशियो में है, और एक्चुअल में कितनी है बच्चों, एक्चुअल में है 4 मीटर पर सेकंड है. ऐसा यानी कि वाटर की स्पीड रेशियो में वन रेशियो और एक्चुअल में 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि वन रेशियो की वैल्यू हो गई 4 मीटर पर सेकंड के बराबर, है ना. तो बोर्ड की स्पीड कितनी होगी, हमें कहा सर 4 रेशियो में गिवन है. वाटर की स्पीड वन रेशियो की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड के बराबर. अगर वन रेशियो की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड के बराबर है तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 4 का 4 टाइम्स, यानी कि 16 मीटर पर सेकंड. बोलो हाँ या ना, है ना. वाटर की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड और बोर्ड की स्पीड क्या हो जाएगी, 16 मीटर पर सेकंड. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब सवाल ये पूछा गया है आपको टोटल डिस्टेंस बतानी है, आपको टोटल डिस्टेंस नहीं, आपको टोटल टाइम बताना है, है ना. 120 मीटर तय किया जा रहा है अपस्ट्रीम में, यानी कि 120 मीटर की दूरी तय की जा रही है अपस्ट्रीम में, और 120 मीटर की दूरी तय की जा रही है डाउनस्ट्रीम में. तो आपको टोटल समय बताना है, ठीक है. यानी कि टाइम निकालने का फॉर्मुला हम सभी पता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, है ना. तो यानी कि डिस्टेंस है कितना, हमने कहा सर 120 मीटर का दूरी तय करनी है. किसमें, अपस्ट्रीम में. अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है बच्चों, यानी कि दोनों की स्पीड आपस में माइनस हो जाएगी, है ना, अगेंस्ट चल रहे हैं दूसरे के, यानी कि बी और डब्ल्यू आपस में माइनस होंगे. तो बी यानी कि बोर्ड की स्पीड कितनी, हमने कहा सर 16 है, और वाटर की स्पीड कितनी बच्चों, हमने कहा सर 4 है. तो अपस्ट्रीम है ना, तो दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 16 में से 4 घटा दोगे कितना होगा, हमने कहा सर 12. ये आ गया, जब हमने अपस्ट्रीम में मूव किया तो हमें इतना समय लगा होगा, है ना, यानी कि हम डिवाइड करेंगे टाइम आ जाएगा, ठीक है. और हम जब 120 मीटर की दूरी तय करेंगे किसमें, डाउनस्ट्रीम में. डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब एक दूसरे के फेवर में, यानी कि बोट और वाटर एक दूसरे के फेवर में होंगे, तो यानी कि दोनों की स्पीड हमें ऐड करना होगा. बोट की स्पीड कितनी है, 16 है. वाटर की स्पीड कितनी बच्चों, 4 है. तो दोनों को हम ऐड कर दें, यानी कि 16 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, हमने कहा सर 20 हो जाएगा. तो यहां से ये टाइमिंग किसकी है, ये टाइमिंग तब की है जब हम डाउन स्ट्रीम में मूव कर रहे थे, यानी कि पानी के फेवर में. और ये टाइमिंग कब की है, जब हम पानी के अगेंस्ट में मूव कर रहे थे, यानी कि अप स्ट्रीम में. तो दोनों की टाइमिंग को हमें सम कर देना होगा, हमें टोटल टाइम मिल जाएगा. यानी कि इसको डिवाइड करो कितना आएगा, हमने कहा सर 10 आएगा. इसको डिवाइड करो कितना आएगा, 6 आएगा. तो 10 प्लस 6 कितना होगा बच्चों, हमने कहा सर 16 सेकेंड्स होंगे. सो ये रहा पूरा का पूरा चैप्टर. मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर को पढ़ के, यानी कि इस सेशन को अटेंड करके काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी आपको महसूस हुआ होगा कि हाँ यार चैप्टर इतना भी टफ नहीं जितना ये डराता है, है ना. सिर्फ शब्दों का खेल है. अगर आपने शब्दों को समझ लिया कि कब क्या होता है, है ना. मुझे बहुत अच्छे से पता है, मुझे भी पहले बहुत तकलीफ हुआ करती थी जब मैं छोटा था, है ना. तो मुझे जिन जिन चीज़ों में तकलीफ होती मैं वही चीज़ें बच्चों को क्लियर कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जब मुझे उन चीज़ों से दिक्कत थी तो बच्चों को भी होती होगी, है ना. कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं इसलिए आपसे.
ठीक है। तो ऐसे सेशंस जो है हम लेकर आते रहें, जैसे कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है मैथमेटिक्स की और अच्छी होती चले। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक का ये जो चैप्टर है बहुत प्यारा चैप्टर है, और बच्चे सच में बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि है भी कुछ ऐसा चैप्टर है ना, और इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है जब हम ट्रेन एंड डिस्टेंस पढ़ रहे होते हैं, है ना। उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे अगले सेशन में। फिलहाल ये वीडियो आपको, ये क्लास आपको कैसी लगी, इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ सर आप ऐसे सेशंस लाते रहिए, अगर आप बताओगे नहीं तो फिर हमें पता नहीं चलेगा ना। सो ऐसे सेशंस आते रहेंगे अगर आप इसका अच्छा एक मतलब अपना जेन्युइन फीडबैक दोगे तो, ठीक है। तो हम इस सेशन को बच्चों यहीं पर क्लोज करते हैं, आगे बढ़ें। तो बच्चों बता दें, अगर आपने बैंक महापैक में इनरोल नहीं किया या फिर बैंक महापैक प्लस में इनरोल नहीं किया तो कर सकते हो, क्योंकि इससे होता क्या है, आप अगर बैंक महापैक में आते हो तो आपको सारी की सारी लाइव क्लासेस जितनी भी होती हैं, पेड क्लासेस जितनी भी होती हैं, आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सारी की सारी लाइव क्लासेस का जो पूरा का पूरा बैच है वो सब आपको मिल जाता है, नंबर वन। नंबर टू, आपको इसमें लगभग 4000 से अबव आपको मॉक पेपर्स मिल रहे होते हैं, करेक्ट, है ना। बहुत सारे लाइव वीडियोस भी मिल रहे होते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिल रहे होते हैं, और साथ में आपको 4000 से अधिक आपको मॉक पेपर्स मिल जाते हैं, जो कि अपने आप में बहुत कॉम्प्लीमेंट्री चीज है, ठीक है। और साथ में प्री से लेकर के इंटरव्यू तक की आपकी तैयारी भी हो रही होती है, ठीक है। तो इस बैंक महापैक का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, कोड क्या बेटा, कोड है Y392, है ना। डबल वैलिडिटी भी चल रही है अभी, यानी कि 6 मंथ करोगे तो 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, है ना, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। बैंक महापैक प्लस क्या है बेटा, अगर आप बैंक महापैक प्लस में एनरोल करते हो तो सिडबी से भी नाबार्ड एसओ ग्रेड ए ग्रेड बी के एग्जाम्स भी इसमें कवर किए जा रहे होते हैं, है ना। तो ये भी आप एनरोल कर सकते हो इसमें भी। इसमें क्या है, इसमें खास बात ये कि आपको 6000 से अधिक आपको मॉक टेस्ट मिल रहे होते हैं, ठीक है। और साथ में आपको इसमें नॉर्मल बैंक्स के जो लाइव क्लासेस है वो तो मिलेगी, साथ में सिडबी से भी नाबार्ड एसओ यानी कि ऑफिसर्स वाले, है ना, रेगुलेटरी बॉडी वाले, यानी कि वो भी आपको इसमें क्लासेस मिल रही होंगी, ठीक है। और फिर हम बता दें डबल वैलिडिटी चल रही है, यानी कि 6 मंथ का लोगे तो 6 मंथ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो ये अच्छा टाइम होता है, यानी कि इसमें आपको अफोर्डेबल रेंज में आपको टाइमिंग बढ़ जाती है ना। हमेशा अपने बच्चों से रिकमेंड करते हैं कि इस बैच में एनरोल कर लिया करो जब डबल वैलिडिटी जरूर चला करें। तो यानी कि कोड यही रहेगा बच्चों Y392। आगे बढ़ें, हर बच्चे को हम सजेस्ट करते हैं कि एस की बुक आपके पास होनी ही होनी चाहिए, बहुत प्रीमियम क्वेश्चंस हैं, और साथ में अगर आपने एस की बुकों को 3 से 4 बार लगा लिया, एस की बुक को अगर आपने 3 से 4 बार लगा लिया, तो मान के चलो कि हर एक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैथमेटिक्स के वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग कमांड में होंगे, ये गारंटी है नवनीत सर की, है ना। तो आप इस सेट को मंगा सकते हो, कोड क्या बेटा, कोड है Y392S। जब हम बुक्स में या फिर टेस्ट सीरीज में एनरोल करते हैं तो कोड लगता है Y392S। हम स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करेंगे बच्चों बैंक सुप्रीम बुक्स का पैक, जिसमें कि 8 बुक्स का पूरा कलेक्शन होगा, है ना। ये बुकें तो रहेंगी एस की तीनों, और साथ में डिस्क्रिप्टिव डीआई कॉम्प्रिहेंशन की बुक आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो कोड यूज कर लेना क्या, Y392S, है ना। प्रिंटेड बुक्स होंगी, अपने घर पे मंगा लो। मैं कहूंगा अगर आपको किसी शॉप पर मिल रही है बुक तो भी आप ले सकते हो, है ना, जरूरी नहीं कि आप Adda247.com की वेबसाइट से ही लो, लेकिन अगर नहीं मिल रही है तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। ये क्या बेटा, ये बैंक प्राइम टेस्ट पैक है, इसमें आपको 1200 से अधिक मॉक टेस्ट मिलते हैं, और साथ में आपको मेरे द्वारा बनाए गए, है ना, मेरे द्वारा गिवन आपको मॉक टेस्ट भी ऑफर किए जाते हैं इसमें, और साथ में आपको वायरल मैथ्स की जो क्लास है सुबह सुबह जिसमें आपकी स्पीड कैलकुलेशन होती है उसका भी मॉक टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज उसमें दे रखा गया, ठीक है ना। तो इसमें अगर आपने एनरोल किया आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। अभी डबल वैलिडिटी चल रही तो 6+6 12+12 इसमें भी मिलता है, कोड बेटा वही है Y392S, ठीक है, ओके। तो आगे बढ़े, तो सेशन को यहीं पर हम क्लोज करते हैं। वायरल मैच भाई नवनीत सर के टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हो अगर आप कनेक्ट करना चाहो मुझसे तो, है ना। और साथ में क्लास आपको कैसी लगी, अगर बहुत अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो के लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ कमेंट करके आउट ऑफ 5 स्टार रेट कर सकते हैं, और तारीफ करना जरूरी है, और साथ में आपको जेन्युइन फीडबैक भी देना जरूरी है कि ये क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना, जिससे कि अगला सेशन हम लेकर आ सके। तो क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें Adda247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ और लाइव पेड बैचेस के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।